नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ए टू जेड जानकारी ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, यानी कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, हर एक चीज़ के बारे में डिटेलली हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और आपको इस वीडियो के अलावा कोई भी दूसरा वीडियो यूट्यूब में आप सर्च करके बताइएगा नहीं मिलेगा, जिसमें आपको फंडामेंटल्स और ए टू जेड जानकारी दिया गया हो, जिससे कि आपको ये जानने में बिल्कुल भी रुकावट नहीं आएगी कि ये चीज़ है क्या। एकदम मलाई मार के चाय की तरह आपको समझा देंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपके सबसे पहले आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा ह्यूमन स्केलेटन के सबसे पहले स्कल की बात। दोस्तों स्कल में बहुत सारे तरीके के चीज़ें होती हैं और इस जो पिक्चर से आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगा। दोस्तों पहले थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। दोस्तों देखिए, जो स्केलेटल सिस्टम है एक फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज है, यानी कि हमारे जो फ्रेमवर्क जो बोन्स हैं और कार्टिलेज से हमारे जो स्केलेटल बना हुआ होता है। दोस्तों इसके बाद एक क्वेश्चन आता है ज़रूर, जो आपको याद रखना है कि जो बोन होता है उसमें किस तरीके के सॉल्ट मिलते हैं। दोस्तों जो बोन होता है, बोन में ज़्यादातर हम कैल्शियम सॉल्ट मिलते हैं, Ca2+। ठीक है, तो दोस्तों बोन में ज़्यादातर कैल्शियम सॉल्ट हमको मिल जाता है। पर उस दूसरी तरफ आपको अगर पूछा जाए कि बताइए सर जी, आपको कार्टिलेज में कौन से तरह के सॉल्ट दिखाई देते हैं, तो जो कार्टिलेज में आपको कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट दिखाई देते हैं। सी है कॉन्ड्रोइटिन का जो स्पेलिंग होता है आप लिख लीजिएगा कॉन, CHON कॉन। ठीक है, CHON कॉन्ड्रोइटिन, ड्रॉय एंड्रॉयड आप बोलते हैं ना, ड्रॉय DROI कॉन्ड्रॉय, कॉन्ड्रॉय। ठीक है, DROI कॉन्ड्रोइटिन, कॉन्ड्रोइटिन TIN। ठीक दोस्तों, ये है आपका स्पेलिंग प्रॉपर कॉन्ड्रोइटिन का, जो सॉल्ट है जो कार्टिलेज में दिखाई देता है। बोन में तो आपको पता ही है कैल्शियम मिलता है। दिस सिस्टम हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। इमेजिन च्यूइंग फूड विदाउट जॉस बोन्स एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट लिम बोन्स। ये सोचिए कि आप अगर बोन्स ही नहीं होता तो आप कैसे ऐसे, मतलब कि जैसे बोन अगर नहीं होता तो सोचिए आप कैसे यहाँ से दूसरे घर में या फिर रास्ते में चल के जाते, फिर तो ऐसे हवा की तरह उड़ जाते अगर ह्यूमन बींग्स में अगर बोन्स नहीं होता या कार्टिलेज नहीं होता। बोन्स एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। जो बोन्स एंड कार्टिलेज है ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, द फॉर्मर हैज ए वेरी हार्ड मैट्रिक्स। जो बोन होता है ना, बोन सबसे हार्ड मैट्रिक्स होता है। बोन क्या होता है, सबसे हार्ड मैट्रिक्स होता है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली मैट्रिक्स होता है। और जो कार्टिलेज होता है ना, वो थोड़ा स्लाइटली लायबल मैट्रिक्स है। लायबल मैट्रिक्स यानी कि वो मुड़ भी सकता है। ठीक है, लायबल मैट्रिक्स यानी कि थोड़ा बहुत आपको लायबल दे रहा है, यानी कि आप उसको थोड़ा बहुत लिमिट तक मोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो ईयर्स होते हैं ना, ईयर्स के आउटर पार्ट जो होते हैं वहाँ पर आपके जो कार्टिलेज हैं, जिसके तहत आप अपने कान को ऐसे मोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आता है, बढ़िया। दोस्तों इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है ह्यूमन बींग्स के पास कितने हड्डियाँ होते हैं। चलिए बताइए कितने हड्डियाँ होते हैं। 206, एकदम करेक्ट। ह्यूमन बींग्स के पास दोस्तों 206 हड्डियाँ होते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो हमारे कार्टिलेज में कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स होते हैं, जो मैंने पहले यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, तो दोस्तों 206 हड्डियाँ होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंतर्गत। ह्यूमन बींग्स के अंदर 206 हड्डियाँ होते हैं और कुछ कार्टिलेज हैं। इट इज़ ग्रुप्ड अंडर टू प्रिंसिपल डिवीजन। एक को हम कहते हैं एक्सियल, दूसरे को कहते हैं अपेंडिकुलर। एक्सियल यानी कि जो मेन एक्सिस, एक्सियल यानी कि मेन एक्सिस, आपको बस यहाँ तक याद रखना है। एक्सियल यानी कि जो मेन एक्सिस में है। मेन एक्सिस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्कल्स होते हैं, और कौन से होते हैं, जैसे वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, फिर आता है स्टर्नम। आप पूछोगे ये सर ये स्टर्नम क्या है, दोस्तों देखिए स्टर्नम यानी कि जो आपके सामने एक इमेज दिख रहा होगा, इस इमेज में आपको ये जो दिख रहा है ना, ये एक बार हम इसको दिखा भी देते हैं आपके बहुत आसानी से, जिससे कि आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों एक बार देख लीजिए,
स्टर्नम, आप पूछ रहे थे कि स्टर्नम किसको कहते हैं, तो दोस्तों एक बार देख लीजिए, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ये लंबा वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक इसको हम कहते हैं स्टर्नम, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इसको स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। तो आपको पहले हमने दिखाया कि ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम कहते हैं स्कल्स, ठीक है। फिर आता है फेशियल बोन्स, उसके बाद आता है तिथ। हमारे तिथ आप क्या समझते हैं, जैसे हमारे तिथ में ह्यूमन बींग्स में कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, जैसे पहले आता है इंसीजर्स, फिर है कैनाइन, ठीक है, फिर आता है कैनाइन इंसीजर, फिर आता है कैनाइन, ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आता है प्रीमोलर, PR प्रीमोलर आता है, ठीक, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, फिर आता है मोलर, ठीक। ये चार तरीके के जो टाइप्स ऑफ टीथ हैं तो ह्यूमन बींग्स में दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा, आसानी से समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा चालाक हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये है हमारे रिब केज, ठीक है। रिब केज में बहुत सारे टाइप्स के हैं, जैसे कि नीचे के जो दो हिस्से जो इससे जुड़ा नहीं हुआ है उसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हमारे यहाँ पर जो आपको थाई बोन को हम क्या कहते हैं साइंटिफिक नेम में, फेमर, FEMUR, फेमर, क्या कहते हैं, फेमर, देख सकते हैं दोस्तों, जो थाई बोन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फेमर कहते हैं, ठीक है, FEMUR, ठीक है, फेमर कहते हैं। फिर जो हमारे जो नी कैप होते हैं, यानी कि ये आपके जो पैर है, ठीक है, पैर में देखिए पहले एक हड्डी हुआ, फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आपके दो हड्डियाँ दिखाई दे रहे हैं, ये एक हड्डिया है, ये एक हड्डी है, और दूसरा, और एक कौन सा हड्डी है बता सकते हैं दोस्तों, दूसरा देखिए, ये एक हड्डी है और ये एक हड्डी है, दो हड्डी है, ठीक है, यहाँ पर दो हड्डी है। उसी तरह दोस्तों, अगर आप अपने हाथों की बात करें तो हाथों में ये एक हड्डी हो गया आपका, और दूसरा और एक हड्डी है, ये देखिए दूसरा और एक हड्डी मिल जाएगा आपको, दिखा देता हूँ, देखिए दूसरा और एक हड्डी है, ये वाला है, ठीक है, हाथों में ये दो हड्डियाँ हैं, पैरों में भी ऐसे ही दो हड्डियाँ हैं, ये एक हड्डी हो गया। इस हड्डी का नाम क्या है आप बता सकते हैं, ये जो हड्डी है इस हड्डी को हम कहते हैं फीमर, ठीक है, जो कि थाई बोन में है, ये सबसे लंबा हड्डी है हमारे शरीर के अंदर, फीमर, ठीक है। आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है कि हमारे शरीर में, ह्यूमन बींग्स के शरीर में सबसे लंबा हड्डी, लॉन्गेस्ट जो बोन है उसका नाम क्या है, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज फीमर, जिसको हम थाई बोन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे टीबिया फिब्यूला, ठीक है, टीबिया को हम क्या बोलते हैं, शिन बोन कहते हैं, ठीक है, टीबिया को, कौन सा है टीबिया, ये वाला हमारे जो रेड वाला पार्ट ड्रॉ किया है हमने, उसको हम कहते हैं फिबुला, रेड वाला टिबुला है, और जो ब्लू वाला है ये है ब्लू वाला आपका टिबिया, और रेड वाला है फिबुला, ठीक है, जो रेड वाला है वो है फिबुला, और जो ब्लू वाला है ये है आपका टिबिया, ठीक है, टिबिया फिबुला आपको याद रखना है। फिर आता है आपका मेटाटार्सल्स, ठीक है, मेटाटार्सल्स, फिर ये आता है आपका फ्लांजेस, फिर आपका ये आता है टार्सल्स, ठीक है, टार्सल्स और मेटाटार्सल्स। उसी तरह आपके हाथों में, जो पैर में हम मेटाटार्सल्स कहते हैं, टार्सल्स कहते हैं, टार्सल यानी कि एंकल, आप बोलते हो ना एंकल में चोट लग गया है, तो एंकल को हम टार्सल्स कहते हैं। एक बार आप इसके जो स्पेलिंग है देख लीजिएगा, ठीक है, TARSALS, ठीक है, हम बाद में फिर इस चैप्टर में आएंगे, ठीक है, इस डायग्राम पे आएंगे। तो देखिए अब यहाँ तक समझ में आता है, देखिए हमारे जो एक्जियल स्केलेटन है, जैसे मैंने दिखा दिया, जो स्कल होते हैं, वर्टेब्रल कॉलम्स होते हैं, स्टर्नम होते हैं, रिब, ये सब एक साथ कंस्टिट्यूट करते हैं लगभग 80 बोन होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लगभग कितने होते हैं, लगभग 80 बोन्स होते हैं, कितने होते हैं लगभग, देखिए एक बार हम इसको दिखा भी देते हैं आपको, कितने बोन्स होते हैं हमारे जो एक्सियल स्केलेटन में, हमारे एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन्स होते हैं, जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए हमारे एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन्स होते हैं। दोस्तों हमारे एक्सियल स्केलेटन्स में लगभग आपके 80 बोन्स होते हैं, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है दोस्तों, लगभग कितने बोन्स होते हैं, लगभग 80 बोन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। दोस्तों स्कल्स के पास दो सेट ऑफ बोन होते हैं, कौन से, एक है क्रेनियल और एक है फेशियल, ठीक है। तो दोस्तों जो टोटल होता है वो 22 होता है, जहाँ पर क्रेनियल के पास 8 बोन्स होते हैं, और वो एक प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग तैयार करते हैं, कौन, क्रेनियम, ठीक है। जैसे आपका ये जो ब्रेन हुआ, तो यहाँ पर आपका जो आउटर कवरिंग मतलब कि बाहर के हिस्से को तैयार करते हैं, क्रेनियम का काम है,
ठीक है, बाहर के हिस्से को तैयार करना किसका काम है, क्रेनियम का। उसी तरीके के बाद आड़ होते हैं, ठीक है, मतलब टोटल 22 होता है, टोटल आपका 22 होता है, और 22 में से 8 जो होता है वो आपका क्रेनियल के पास होता है। उसके बाद ये इसका काम क्या है, प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, मतलब आपका जो खोपड़ी होता है ना, खोपड़ी का आउटर कवरिंग ये तैयार करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है आपको, खोपड़िया खोपड़ी को बचाता है, अगर गिर टिट जाए तो उसको बचा लेता है, ठीक है। क्रेनियम फॉर ब्रेन, द फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ, जो आपका फेशियल रीजन होता है जिन दोनों को, ये है क्रेनियल फेशियल दोनों से बना होता है, टोटल 22 बोन होते हैं, जो फेशियल होता है वो 14 स्केलेटन्स होता है, ठीक है, याद रखना है, मतलब फेशियल के पास कितना होता है, 14 स्केलेटन होता है, इसके पास 8, क्रेनियल के पास इसके पास 14, व्हिच इज फॉर्म्ड द फ्रंट पार्ट ऑफ स्कल्स, आपका जो स्कल्स के जो सामने का जो पार्ट है उसको तैयार करता है, ठीक है, ये आपका पूरा स्कल्स है, ठीक है, स्कल्स है आपका, खोपड़िया है, स्कल मतलब खोपड़ी, और ये आपका सामने का पार्ट तैयार करता है, कौन, आपका फेशियल, ठीक है। यू शेप बोन कॉल हावेड बोन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भाई ये बक्कल कैविटी क्या है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि ये बक्कल BUCCAL बक्कल कैविटी, ठीक है, बक्कल कैविटी क्या है, जिस चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो जिस चीज़ में हम एक बार इसका जो बक्कल कैविटी को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं दोस्तों, जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही समझे, जो बक्कल कैविटी है उसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, कुछ इस तरीके से ये देखने को मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो बक्कल कैविटी है, हमारा जो बक्कल कैविटी है जिसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे जो ओरल कैविटी है उसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं, और ये बहुत बार आप पढ़े होंगे। तो दोस्तों इसके अंत में क्या आता है, जैसे पहले आता है गम, ठीक है, इसको हम कहते हैं गम, टीत नहीं, इसको हम गम कहते हैं, ठीक। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है हमारा टीत, ये है दांत हमारे, यहाँ से टोटल 32 टीत होते हैं, ठीक है, टोटल 32 टीत होते हैं हमारे, ठीक। अच्छा, तो हमारे टीत का जो नंबर होता है ना वो 2, 1, 2, 3, वो मतलब कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे 2, 1, फिर 2, 1, फिर 2, फिर आता है 2, फिर आता है 3, और रिपीट, और नेक्स्ट में फिर सेम आता है 2, 1, 2, 3, हमारे जो डेंटल फार्मूला होते हैं ना इसके ऊपर बेस्ड है, 2, 1, 2, 3 / 2, 1, 2, 3, ह्यूमन का डेंटल फार्मूला होता है ये, ठीक है, कौन कौन से थे, जैसे दो दो ये है, एक एक ये है, दो दो ये है, फिर तीन तीन वो है, ठीक। अच्छा, इसको कहते हैं उवुला, मतलब कि एक तो आता है आपका बड़ा जीभ, ठीक है, ये आता है आपका बड़ा जीभ, और इसके अंदर में ये एक छोटा सा जीव है, ये छुटका सा जीव जो होता है ना, इसका काम क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये छोटा सा जीव जो होता है ना ये वाला, इसका काम क्या होता है। दोस्तों आप जब खाना खाते हैं तो उस चीज़ को तो अंदर जाने की ज़रूरत होती है, तो वो अंदर धक्का मारने का काम ये करता है, जब आप पानी पीते हैं ना तो जब आप ऐसा करते हैं ना तो तब वो चीज़ अंदर की तरफ उसको पुश करता है, इसको हम कहते हैं उवुला, UVULA उवुला कहते हैं, ये है हार्ट पैलेट होते हैं, ठीक है। हार्ट पैलेट कौन सा है, देखिए हार्ट पैलेट कौन सा है, ठीक है, एक बार देख लीजिए हार्ट पैलेट कौन सा है, हार्ट पैलेट आपका ये वाला है, ठीक है। हार्ट पैलेट जो ऊपर की तरफ जो हिस्सा होता है ना, आप जब मुंह खोल के अब मिरर के सामने देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रेड कलर का होगा, इसको हम कहते हैं हार्ट पैलेट, ठीक। ये आपके जो जीभ है, ठीक, टंग है, और टंग जो फ्रेन्युलम जो बक्कल कैविटी के साथ जुड़ा हुआ है, किसके तहत, फ्रेन्युलम के तहत, किसके तहत, फ्रेन्युलम, मैं लिख दूं क्या, लिख देता हूं, ठीक है, फ्रेन्युलम, अच्छा रेड पेन से लिख देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है, रेड पेन से लिख देता हूं आपको समझने में आसानी होगी। फ्रेन्युलम का स्पेलिंग है FFRE, फ्रेन्युलम, NULU, फिर आता है M, ठीक, ये है फ्रेन्युलम, FRENULUM, ठीक है। फ्रेन्युलम के तहत ये जो हमारे टंग है ये हमारे बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के साथ जुड़ा हुआ है। फिर ये हमारे आता है लीव्स, ठीक है, होंड आते हैं उसके बाद, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। बट ये है बक्कल कैविटी, आपको एक बार पिक्चर हमने दिखा दिया जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन से चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है।
तो दोस्तों यहाँ पर एक हाई वेट बोन है जो बक्कल कैविटी के बेस में प्रेजेंट है और ये स्कल के अंतर्गत आते हैं। कौन सा हाई वेट बोन है ना, ये है हमारे हाई वेट बोन, ठीक है, ये वाला हाई वेट बोन है। ठीक, यहाँ तक समझ में आता है, ये वाला है हमारे हाई वेट बोन। बढ़िया, बहुत आसानी से आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। सोना मत, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद हमारे जो ईयर, ईच मिडिल ईयर कंटेंस 3 टाइनी बोन्स। अगर आप अपने ईयर की बात करें, ठीक है, अगर हम ईयर की बात करें, ह्यूमन ईयर, ठीक है, ह्यूमन ईयर की अगर बात करें तो उसके अंतर्गत क्या आता है। ठीक, तो दोस्तों देखिए, ह्यूमन ईयर जो होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके तहत बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक पिक्चर ह्यूमन का, जिससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा किसके बारे में मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, आपके जो कान हैं कुछ इस प्रकार दिखते हैं बाहर की तरफ, और अंदर बहुत सारे मैकेनिज़म्स होते हैं। जैसे गाड़ी के जो चीज़ है ना बाहर दिखते हैं, पर गाड़ी के जो एक्चुअल जो इंजन वगैरह होते हैं ना अंदर होते हैं। तो आपके कान भी वैसे ही हैं, बाहर से कुछ आपको मतलब करेगा भाई क्या ही है, ईजी है, क्या ही है इसके अंदर, पर अंदर में बहुत सारे चीज़ होते हैं। उस चीज़ के बारे में मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। तो दोस्तों देखिए, तो पहले आते हैं आपके जो तीन जो छोटे छोटे बोन्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं मैलियस, फिर आता है इनकस, फिर आता है आपका स्टेप्स। ठीक है, मैलियस, फिर आता है इनकस, फिर आता है स्टेप्स। अब देखिए ये छोटे छोटे, इसको कहते हैं आपके जो कान है, कान से जो हवा यहाँ से अंदर की तरफ जाता है, इसको हम कहते हैं पिन्ना, कहते हैं ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना का क्या काम होता है, ईयर पिन्ना का काम होता है कि हवा को इसके अंदर पुश करना। ठीक है, हवा क्या होता है, वाइब्रेशंस होता है। और ये जो रास्ते से जा रहे होते हैं, ये जो भैया लोग जो रास्ते से जा रहे होते हैं हवा, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। फिर आता है, आप बोलते हैं ना कान का जो मेन चीज़ होता है ये वाला, जिसको हम टिम्फेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से आप जब डॉक्टर के पास जाते हो ना, आपको डर लगता है, छोटे होते तो डर लगता है, कान में दर्द हो गया, आप जाते हो ENT स्पेशलिस्ट के पास, ईयर नोज एंड टंग, और फिर उस वो कुछ अंदर इंजेक्शन वगैरह पहले के ज़माने में डालते थे, अभी तो बहुत सारे एडवांस हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, पर पहले क्या करते थे, एक सिरिंज लेते थे कुछ इस तरीके का। ठीक है, एक कुछ इस तरीके का जो सिरिंज होता था, और इस सिरिंज में क्या करते थे, वो पानी भर देते थे। ठीक है, इस सिरिंज में पानी भर देते थे, पानी भर के बाद इसके अंदर से पुश कर देते थे, और वो चीज़ फिर ऐसे मतलब उल्टा करके मुंडी को उसको निकाल देते थे। ठीक है, पहले के ज़माने में ऐसे किया जाता था। तो देखिए दोस्तों, तो ये है आपका टिम्फेरिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसके बाद जो मेन चीज़ आता है, आपको कहाँ तक दिखता है, आप किसी के कान के अंदर आप देखोगे अच्छे से झांक के, तो आपको दिखाई दे रहा होगा बस यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कहीं ना कहीं यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, एकदम अंदर आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, ये जो कान, बहुत सावधानी से आपको काम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब सॉफ्ट ऑर्गन माना जाता है। ठीक है, क्रूशियल ऑर्गन। फिर ये कान के बाद ये आता है आपके मैलियस, फिर इनकस और स्टेप्स। ये तीन एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये तीन एक साथ मतलब कि जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, और तीन छोटे छोटे स्क्रूप जुड़े होते हैं, वही इसी तरह इनकस मैलियस स्टेप्स इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। फिर क्या आता है, फिर इसके साथ आपका ये है टिम्फेनिक कैविटी। ये आपको जो रेड वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट रुक जाइए, ये जो आपको जो रेड वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, इसको हम टिम्फेनिक कैविटी कहते हैं। ठीक है, फिर ये जो तीन चीज़ होते हैं ना, इनकस मैलियस एंड स्टेप्स, एक एक विंडो से जुड़ा हुआ होता है, और ये जो थोड़ा बहुत कुछ इस तरीके जो गोल गोल होते हैं, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से ये गोल 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 करके है, और ये जो कॉइल पार्ट है इसको कॉकलिया कहते हैं। ठीक, ये फिर यहाँ से आता है ईस्टाशियन ट्यूब्स। ठीक है, तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का काम क्या है, मतलब जब कान से कोई भी हवा अंदर की तरफ जा रहा होता है, तो उसके तहत आपका जो आवाज़ है वो तो आपको समझना है, तो आवाज़ किसका है उसको आप कैसे समझेंगे। ठीक है, उसके लिए आपके जो कॉकलियर नर्व होते हैं ना,
कॉक्लियर नर्व है, फिर यहाँ पर वेस्टिबुलर नर्व है। ये ऐसे बहुत सारे नर्व है जो कि ये सिग्नल्स आपके ब्रेन तक पहुँचा देते हैं, और ब्रेन फिर उस चीज़ को प्रीवियर नॉलेज के हिसाब से देखते हैं कि ये किसका नॉलेज है। मतलब ये ड्रम का आवाज़ है, अगर आप स्टेशन में जाते हो ट्रेन का हॉर्न बजता है तो आपका ब्रेन सिग्नल देता है ये ट्रेन का हॉर्न है। अगर आप कोई नई चीज़ की आवाज़ सुनते हो कि न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, तो फिर आपको सर्च करना देखना पड़ता है। तो एक बार आपका जो आँख और आपका जो कान कोऑर्डिनेट हो जाता है तो फिर आपको याद रख जाता है कि असल में ये इस चीज़ का आवाज़ है। यहाँ तक समझ में आता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ए टू जेड आपको समझाएंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखो, देखिए जो ईयर ऑसिकल्स कहते हैं इनकस मैलियस और स्टेप्स को कलेक्टिवली एक साथ। ठीक है, फिर जो स्कल रीजन होता है आर्टिकुलेट करता है सुपीरियर रीजन्स के साथ ऑफ वर्टेब्रल कॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ टू ऑक्यूबिटल कॉन्डाइलिस डाइकोंडाइल स्कल्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, आपका ये वर्टेब्रल कॉल्यूम है और इसके बहुत सारे पार्ट्स भी हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम इसको कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल। सर्वाइकल के बाद ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जिसको थोरैसिक कहते हैं। पहले आता है आपके जो जो आपका पीछे वाला हिस्सा है नेक, वहाँ से उसको सर्वाइकल, सर्वाइकल के बाद आता है आपके थोरैसिक। ठीक है, थोरैसिक, सर्वाइकल थोरैसिक, फिर आता है आपका लंबर, फिर आता है आपका लंबर, लंबर। ठीक है, इसको हम इंटरवर्टिब्रल, मतलब दोनों वर्टिब्रल के बीच को हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिक्स। ठीक है, फिर आता है आपका सैक्रम, फिर आता है कॉकेस। ठीक, देखिए हमारे जो ह्यूमन में जो वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं लगभग 6 सीरियली अरेंज यूनिट होते हैं, मतलब 26 वर्टिब्र होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं, डॉर्सली प्लेस होते हैं। ठीक है, ऐसे डॉर्सली लगे हुए होते हैं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से आया। ठीक, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक, यहाँ तक समझ में आता है? ये कहाँ से एक्सटेंड करता है? हमारे स्कल से, ये हमारे स्कल्स है और कंस्टिट्यूट मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक। हर एक वर्टिब्रा के पास कुछ हॉलो पोर्शंस होते हैं थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस। ठीक है, हर एक वर्टिब्रा के पास, जो हर एक जो वर्टिब्रल होते हैं उसके पास क्या रहते हैं, हर एक वर्टिब्रल के पास कुछ हॉलो होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? हॉलो होते हैं, जिसके तहत क्या होता है, जिसके तहत यहाँ से जो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है पास थ्रू करके जाते हैं। तो पहला जो वर्टिब्रा होता है हमारे ह्यूमंस में, जिसको हम कहते हैं एटलास। ठीक है, इस आर्टिकुलेट विद द ऑक्यूपिटल कॉन्डाइलिस, ये ऑक्यूपिटल कॉन्डाइलिस के साथ जो एक साथ रहते हैं, तो फर्स्ट वर्टिब्रल। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, तो वर्टिब्रल कॉलम कुछ किस प्रकार से दिखाई देता है? तो दोस्तों वर्टिब्रल कॉलम जो ह्यूमंस में होता है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों देखिए, इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम दिखाई देता है। ठीक है, आपको ये समझ में भी आ जाएगा एक मिनट में जब मैं इसका डायग्राम आपको शो करूँगा। तो देखिए ये आ रहा है आपके सामने, टैंग टैंग आ गया ना। तो दोस्तों देखिए, पहले जो आपका जो ब्राउन रंग का चीज़ है ये आपका है सर्वाइकल। ठीक, फिर आपका आता है जो कि ब्लू रंग का चीज़ है, इसको हम कहते हैं थोरैसिक। क्या कहते हैं? थोरैसिक। फिर आपका जो येलो रंग का चीज़ है जो वर्टिब्रल है उसको हम कहते हैं लंबर। फिर आपका जो ग्रीन वाला पार्ट को सैक्रम, और जो पिंक वाला पार्ट है या वायलेट बोल दीजिए उसको हम कॉकिस बोलते हैं। तो यहाँ पर लगभग 7 रहते हैं, 7 मतलब लगभग टोटल तो 26 हुआ। तो देखिए 5 5, फिर 12, फिर 7, और यहाँ पर 4 फ्यूज रहते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। फिर हमारा जो पहला जो वर्टिब्रल कॉलम है, हम एटलस वर्टिब्रल, वर्टिब्रल वर्टिब्रा, एटलस वर्टिब्रा, यानी कि हमारे जो पहला वर्टिब्रल कॉलम को हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। पहला वर्टिब्रल कॉलम को क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। आपको याद रखना है, एटलस मतलब एटलस बुक नहीं देख लिया भाई, बुक खरीद लिया नहीं, एटलस मतलब कि ये आपका पहला वर्टिब्रल कॉलम है। और वर्टिब्रल कॉलम कुछ इस तरह के हॉलो दिखाई देते हैं। हॉलो, हॉलो यानी कि, हॉलो मतलब कि यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से हॉलो होगा, यहाँ से आपका निकलता है कुछ इस तरीके से। ठीक, तो फिर ये बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे इस चीज़ को हम कहते हैं पोस्टीरियर आर्च, इसको कहते हैं पोस्टीरियर ट्यूबरकल। फिर ये वाला पार्ट को हम कहते हैं ट्रांसवर्स फोरामेन। ठीक,
ये वाला पार्ट को ट्रांसवर्स फोरामेन कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट कहते हैं, इस वाले पार्ट को थोड़ा ये कोना जो मुड़ रहा है इसको हम कहते हैं एंटीरियर ट्यूबकल, इसको हम एंटीरियर आर्च कहते हैं ये वाला पार्ट को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है, इसको ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। ट्रांसवर्स प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो हम आज ही पढ़ा देंगे ट्रांसवर्स प्रोसेस से क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये है आपका एटलस वर्टिब्रा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर आपने पहले का जो डायग्राम मैंने दिखाया है स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है, बहुत बढ़िया। अब देखिए दोस्तों, जो एटलस है ये आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, ऑक्यूपिटल कॉन्डाइलस के साथ। जो वर्टिब्रल कॉल्यूम है ये डिफरेंशिएट होता है, जैसे सर्वाइकल में 7 होते हैं, फिर थोरासिक में 12 वर्टिब्रल होते हैं, फिर लंबर में 5 होते हैं, सैक्रल में 1 फ्यूज और कॉकिगल में 1 फ्यूज। तो रीजन स्टार्टिंग जो रीजन्स है शुरू होता है फ्रॉम स्कल्स, तो हमारे जो रीजन्स कहाँ से शुरू होते हैं, स्कल से, हमारे मुंडी से। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ह्यूमंस की बात करें या फिर किसी भी मैमल्स की बात करें, तो हमारे जो सर्वाइकल वर्टिब्रल में जो 7 लिखा होता है ये वाला पार्ट में, तो ये सभी के 7 ही होते हैं। मतलब मैमल्स या किसी भी मैमल्स या ह्यूमन बींग्स उसमें कितने होते हैं, उसमें होते हैं आपके 7, ठीक है, 7 होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है, बढ़िया। फिर दोस्तों देखिए, द वर्टिब्रल कॉल्यूम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉल्यूम का क्या क्या काम होता है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं हमारे हेड को, और एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के हिसाब से काम करते हैं फॉर रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ बैक। मतलब 3 काम है, एक तो हमारे जो हेड को मतलब सिर को प्रोटेक्ट करना, वर्टिब्रल कॉल्यूम का ये काम होता है। सिर को हम ऐसे स्ट्रेट रख सकते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉल्यूम के वजह से, पहली बात। दूसरी बात, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, वर्टिब्रल कॉल्यूम, स्पाइनल कॉर्ड थ्रू वर्टिब्रल कॉल्यूम। इस चीज़ को आपको ध्यान लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पर गलत करते हैं। स्पाइनल, देखिए, स्पाइनल कॉर्ड थ्रू वर्टिब्रल कॉल्यूम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉल्यूम, इसको एक बार देख लीजिए, इसके इमेजेस एक बार आप समझ लीजिए। जिस स्पाइनल कॉर्ड थ्रू वर्टिब्रल कॉल्यूम, जो वर्टिब्रल कॉल्यूम्स हैं हमारे, उससे कुछ स्पाइनल कॉर्ड्स जा रहे होते हैं, ठीक। तो ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये वाला डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, ये तो आपके हो गए कुछ जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क। फिर आता है आपका, देखिए ये वाला, देखिए ये आपका होता है, ये आपका ह्यूमन वर्टिब्रा है, ये आपका सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, ये वाला ट्रांसवर्स प्रोसेस मैंने अभी बताया था। फिर आपका है ट्रांसवर्स कॉस्टल फेसेड वर्टिब्रल बॉडी। फिर आता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, मतलब कि ये जो चीज़ आप दिख रहे होंगे, देखिए ये जो चीज़ आप देख रहे होंगे, ये जो आपके, एक मिनट मैं इसके दूसरा कलर यूज़ करता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आप देख रहे होंगे जो ब्राउन कलर का है, ये है वर्टिब्रल, ठीक है, ये आपका है वर्टिब्रल। और ये जो आपका जो येलो जो पार्ट यहाँ से चला गया है, येलो पार्ट, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं पूरा मिटा देता हूँ जिससे तहत आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। येलो वाला पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड और ये है आपका वर्टिब्रल कॉल्यूम, ठीक है। आप इस डायग्राम के बेसिस पे स्पेसिफिकली समझ रहे होंगे कि इसके अंदर क्या कौन सा काम हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके के डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे, ये कहीं भी आपको कोई भी, मतलब जितने भी YouTube में वीडियोस आप देखिएगा, कोई भी इतने आसानी से और इतने अच्छे डायग्राम और अच्छे स्पेसिफिकली आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। कॉपीराइट होने के पास पूरा कॉपीराइट है, जिन्होंने ये डायग्राम बनाया है, जो एडम लिखा हुआ है, ठीक, पूरा डायग्राम है, ठीक, हम बस एडुकेशन पर्पस के लिए बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक समझ में आता है, बहुत बढ़िया। अब देखिए जो स्टर्नम है, देखिए वर्टिब्रल कॉल्यूम हमारे कौन कौन से हैं, हमारे हेड को सपोर्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करता है जो हमने अभी दिखाया है, और बहुत सारे सर्व एज एन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ बैक,
मतलब हमारे जो बैक्स हैं और रिब्स और मस्कुलेचर है उसको भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। स्टर्नम जो होते हैं ये फ्लैट बोन होते हैं ऑन दी वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स, ठीक है, वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स मतलब कि हम आपने अभी अभी देखा होगा जो हमारे स्टर्नम है, स्टर्नम कौन सा है, ये वाला पार्ट, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब तो आपके रिब्स हो गए, पर ये जो पार्ट्स आप देख रहे हो ये थोड़ा गोल और ये थोड़ा लंबा सा, इसको हम कहते हैं स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम। ये है आपका उल्टा वाला व्यू, इसको मतलब इस चीज़ को, इस पूरे चीज़ को उल्टा कर दिया जाए तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो स्टर्नम्स है वो एक फ्लैट बोन है ऑन दी वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स, थोरैक्स के मिडलाइन में। तो जो रिब्स होते हैं हमारे, ये जो रिब्स हैं, टोटल कितने रिब्स होते हैं हमारे शरीर पे, 12 रिब्स आपको याद रखने हैं। कितने रिब्स होते हैं रे हमारे शरीर पे, कितने जो हाड़ होते हैं ना, जो हड्डियाँ होते हैं, कितने होते हैं, 12 होते हैं। और हर एक रिब्स जो होते हैं ना, एक मतलब एक पतला फ्लैट बोन होता है जो डॉर्सली कनेक्टेड है, डॉर्सली टू दी वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू दी स्टर्नम, ठीक है। मतलब जो स्टर्नम के साथ ये कैसे जुड़ रहा है, मतलब इसको अगर मैं स्टर्नम मान लूँ, इसको अगर मैं स्टर्नम मान लूँ, सपोज इसको मैं स्टर्नम मान लूँ, तो जो हड्डियाँ हैं कुछ इस प्रकार से आकर इस प्रकार जुड़ रहा है, इस यहाँ से आकर कुछ इस प्रकार जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है जो हड्डियाँ हैं, जो रिब्स हैं, वो फ्लैट बोन है पतला, और ये जुड़ रहा है वेंट्रली टू स्टर्नम, वेंट्रली जुड़ रहा है स्टर्नम के साथ। और जो वर्टिब्रल कॉलम एंड डॉर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के साथ कैसे जुड़ रहा है, डॉर्सली, ठीक है। कुछ वर्टिब्रल जो कॉलम्स होते हैं उसके साथ कैसे जुड़ रहा है, डॉर्सली, डॉर्सली यानी कि अगर मैं मान लूँ कि ये मेरा है, मेरा वर्टिब्रल कॉलम है, ये मेरा वर्टिब्रल कॉलम है, आपको स्पेसिफिकली समझा रहा हूँ, ये मेरा वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसके साथ ऐसे जुड़ रहे हैं, इसके साथ ऐसे जुड़ रहे हैं, ठीक है, इसके साथ ऐसे जुड़ रहे हैं, ठीक है, इसके साथ पेड़ के जैसे पत्तियां होते हैं ना, उसी तरह पेड़ के पत्तियों के तरह जुड़ रहे हैं, ये है डॉर्सली जुड़ रहे हैं किसके साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ, और वेंट्रली जुड़ रहे हैं स्टर्नम के साथ, ये दो समझ में आता है। अब देखिए, इट हैज़ आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट डॉर्सल एंड एंड इट्स कॉल्ड बाइकाफैलिक, ठीक है। इस इनके पास जो आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं, किसके पास, जो हमारे रिब्स होते हैं, रिब्स जो फ्लैट बोन्स हैं, इसके पास कुछ आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं जिसके तहत इनको हम ऑन ए डॉर्सल एंड में होते हैं, डॉर्सल एंड यानी कि जो कि जुड़ा हुआ होता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो इसको हम कहते हैं बाइसेफेलिक। फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स, पहले के साथ जैसे एक, जैसे आपने देखा है कि ये एक है, तो एक से सात को हम ट्रू रिब्स कहते हैं, मतलब असली वाला रिब्स एक से सात को कहते हैं, क्यों, क्योंकि डॉर्सली दे आर अटैच टू थोरासिक वर्टिब्रा एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हायलिन कार्टिलेज, मतलब हायलिन कार्टिलेज के मदद से ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग स्टर्नम के साथ और वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़े हुए हैं। और इसके बाद जो 8, 9, 10 जो रिब्स हैं उसको कह रहे हैं वो झूठा वाला रिब्स, ठीक है। पेयर्स ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट जॉइन द 7th रिब विद द हायलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो ये जो रिब्स होते हैं 8, 9, 10, ये 8, 9, 10 क्या होते हैं, ये 8, 9, 10 डायरेक्टली आपके जो वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़े नहीं होते हैं, ये हायलिन कार्टिलेज के साथ आपके थोड़ा बहुत जुड़े होते हैं, किसके साथ, स्टर्नम के साथ, ठीक है। जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, द 8th, 9th, and 10th पेयर्स ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विथ द स्टर्नम बट जॉइंट 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हायलिन कार्टिलेज, यहाँ तक समझ में आता है। उसके बाद जो 10 और 12 होते हैं, 10 और 12 पेयर ऑफ रिब्स, जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रो क्रॉन्डल या फिर वर्टिब्रल क्रॉन्डल रिब्स, फॉल्स क्या और एक नाम होता है वर्टिब्रल क्रॉन्डल रिब्स। आपको नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्टिब्रल कॉलम क्रॉन्डल रिब्स आप कौन से दो पेयर को कहते हैं, बट दोनों से दो पेयर नहीं होता, वो 3 रिब्स होते हैं, एक है 8, 9, 10, तो 1 से 7 होते हैं असली वाला जो जुड़े होते हैं स्टर्नम के साथ वर्टिब्रल कॉलम के साथ, फिर 8, 9, 10 जो कि अच्छे से आपके स्टर्नम के साथ जुड़े नहीं होते, डायरेक्टली जुड़े नहीं होते, वो 7 नंबर रिब्स के साथ जुड़े होते हैं बेसिकली हायलिन कार्टिलेज के तहत, ठीक है। तो इसको हम वर्टिब्रल क्रॉन्डल रिब्स या फिर झूठा वाला रिब्स कहते हैं। इसके बाद लास्ट के दो पेयर होते हैं 11 और 12 जो कि कनेक्टेड आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड आर देयरफॉर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, जिसको हम फ्लोटिंग
रिब्स कहते हैं, 11 और 12 वर्ब ऐसे ही, मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम है उससे साथ जुड़ा होता है कुछ इस तरीके से। समझ में आता है? बढ़िया। 1 से 7 मतलब कि इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ होता है, फिर 8, 9, 10 जो इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, और लास्ट के 2 बस इसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है। ठीक। द बोन्स ऑफ द लिम्स अलोंग विद देयर गर्डल्स कॉन्स्टिट्यूट द अपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब एक एक्सियल और एक अपेंडिकुलर है। एक्सियल तो पढ़ लिया, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम, फिर स्टर्नम्स, फिर स्कल्स, ये सब। फिर अपेंडिकुलर लिम्स यानी कि जो गर्डल होते हैं, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, 2 तरीके होते हैं, पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल। तो पहले आपको दिखा देता हूँ क्या है। तो यहाँ पर जो लिम्स है, जो आपके जो हड्डियाँ हैं, हाथों के हड्डियाँ और पैरों के हड्डियाँ, टोटल 30 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, 30 होती हैं। द बोन्स ऑफ हैंड मतलब हाथ के 2 फोर लिम्स होते हैं यार, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, फिर आता है आपका कार्पल्स, मतलब कि इसको हम कहते हैं, जो हाथों की जब बात किया जाता है उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं आपके पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, क्या कहते हैं? पेक्टोरल गर्डल, जब हाथों की बात होता है। ठीक है, तो देखिए हाथों में जैसे कि आपके रिब्स के बारे में पढ़ लिया, तो ये आता है क्लैविकल। ठीक है, ये जो हड्डियाँ हैं यहाँ पर, ये होता है क्लैविकल। फिर यहाँ पर आते हैं आपके ऐसे जो यू टर्न करके जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्कैपुला। फिर ये आता है आपका ह्यूमरस। फिर रेडियस अल्ना, दोनों हाथों के नीचे में 2 हड्डियाँ होते हैं, रेडियस और एक अल्ना। फिर ये आपका आता है कार्पल्स, ये आपका आता है मेटाकार्पल्स, और नीचे की तरह होता है फ्लांजेस। ठीक, तो देखिए जो आपके रिस्ट होते हैं हाथों में, जो रिस्ट वॉच होते हैं ना, रिस्ट मतलब इसको कहते हैं, रिस्ट मतलब किसको कहते हैं, रिस्ट मतलब इस आपको यहाँ, इसको कहते हैं रिस्ट वॉच, रिस्ट इसको कहते हैं। तो रिस्ट में रिस्ट बोन्स 18 नंबर, मतलब रिस्ट के हड्डी कितने होते हैं, 8 होते हैं। फिर आपके जो मेटाकार्पल मतलब जो आपके हाथों के पाम होते हैं ना, जिसने हाथों के लकीर आप कहते हैं ना, ये आपके हाथ हो गए, हाथ में ऐसे लकीर हैं। ठीक है, ये आपके जो हाथ हो गए और बहुत सारे बोन्स हो गए, हाथों में लकीर होते हैं, तो उस पाम को हम कहते हैं 5 हड्डियाँ होती हैं। फिर आते हैं आपके फ्लैंजेस। फ्लैंजेस किसको कहते हैं? आपके हाथ एकदम उंगली। ठीक है, उंगली में क्या होता है, उंगली में आपके 14 हड्डियाँ होती हैं। फिर फीमर जो होते हैं, फीमर कहाँ पर होते हैं? फीमर हमने बोला था ना, थाई बोन सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हमारे शरीर में, थाई बोन फीमर होते हैं। ठीक, फिर आपके आता है टिबुला फिबुला, 2 हड्डियाँ पैर में। फिर आपका टार्सल, 2 हड्डियाँ पैर में। फिर आपका आता है क्या, टर्सल्स आता है। कौन से आता है? टर्सल्स। ठीक है, ये पैर की बात किया जा रहा है, जहाँ पर आपका जो टिब्यूला फिब्यूला है, फिर आपका टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फिर आपका फ्लांजेस, ये आता है आपका जो बेंड आप करते हो पैटीला। फिर फीमर आता है लॉन्गेस्ट बोन। फिर ये इसको सैक्रम, कोएक्सियल बोन्स, इलियम होते हैं, पीबीस, इचियम होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। इसको हम कहते हैं पेल्विक गर्डल। तो जब पैर की बात होती है तो पेल्विक, हाथों की बात होती है तो पेक्टोरल। ठीक, यहाँ तक समझ में आता है? अच्छा, तो ये जो हमारे जो पैटीला को क्या कहते हैं, कप शेप बोन बोलते हैं पैटीला को, जो हमारे नी कैप को कवर करता है। तो ये जो पेक्टोरल और पेल्विक गार्डल होते हैं, ये हेल्प करते हैं आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। जो पेक्टोरल होते हैं, हाथों को मूव करने में आसानी होती है, और जो पेल्विक होते हैं, वो पैर को मूव करने में आसान बनाते हैं। इस गार्डल इस फॉर्म ऑफ 2 हाफ, जो गर्डल्स होते हैं दोनों अलग अलग हाफ्स होते हैं, मतलब आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड उसी तरह। फिर स्कैपुला जो होते हैं, इज लार्ज ट्रायंगुलर जो फ्लैट बोन्स होते हैं, सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स बिटवीन द 2nd and 7th ribs। मतलब जो स्कैपुला है, जो डॉर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स, थोरैक्स के डॉर्सल पार्ट है स्कैपुला, जो कि एक ट्रायंगल शेप का है, और ये लगभग ये स्कैपुला किसकी बात किया जा रहा है, इसकी बात किया जा रहा है स्कैपुला, ये है स्कैपुला जो जो आपके कहाँ पर है, इन बिटवीन द सेकेंड एंड द सेवेंथ रिब्स, वेरिटीज पे सेकेंड एंड सेवेंथ रिब्स के अंदर ये आता है आपके जो स्कैपुला है। ठीक, स्कैपुला है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है? बढ़िया। इसके बाद देखिए, ईच गर्डल इज 2 हाफ, जहाँ पर स्कैपुला की हमने बात किया है। जो डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी स्कैपुला है, जो स्लाइटली एलिवेटेड रिच होते हैं, विच प्रोजेक्ट फ्लैट्स एंड एक्सपैंड
प्रोसेस कॉल एक्रोमियन प्रोसेस। तो आपको और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्रोमियन प्रोसेस किसको कहते हैं, मतलब जो स्कैपुला होते हैं कुछ इस तरीके के स्कैपुला देखने को मिल जाता है। स्कैपुला का डायग्राम मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। स्कैपुला देखिए, स्कैपुला, ठीक है, स्कैपुला डायग्राम देखिए, ये है स्कैपुला का डायग्राम कुछ इस तरीके से, जिसके तहत आपको एक्रोमियन प्रोसेस क्या होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि एक्रोमियन प्रोसेस क्या है और कैसे काम करता है। तो दोस्तों स्कैपुला कुछ इस तरीके से है, जो ट्रायंगुलर शेप है जैसे बुक में लिखा गया है, और यहाँ पर जो एंटीरियर व्यू है इसका और ये है पोस्टीरियर व्यू, ठीक। तो यहाँ पर एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है आपका एक्रोमियन व्यू, ठीक है, यहाँ पर होता है आपका एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक। यहाँ पर मतलब एंटीरियर व्यू मतलब सामने की तरफ जब आप देख रहे होते हो, और पोस्टीरियर व्यू मतलब जब पीछे की तरफ दिख रहे होते हो तब इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये आता है आपके राइट स्कैपुला, ठीक है, राइट स्कैपुला मतलब कि आपके जो राइट हैंड का स्कैपुला। फिर देखिए, तो यहाँ से आपको समझ में आता है, फिर हमने बात किया जैसे टार्सल्स में जैसे 7 बोन्स होते हैं, मेटाटार्सल में 5 होते हैं, फ्लांजेस में 14, ठीक, फिर आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे जो ट्रायंगुलर शेप स्कैपुला है, एलिवेटेड एज आपने देखा था, तो वो जो बोन था थोड़ा आगे की तरह एक्सपैंड होता है, जिसको हम एक्रोमियन कहते हैं। अब आता है क्लाविकल, क्लाविकल किसको कहते हैं, ये आता है आपका क्लाविकल, थोड़ा बहुत इस तरीके से बोन, ठीक, ये आपका है क्लाविकल। क्लाविकल का क्या काम है, क्लाविकल आर्टिकुलेट विद दिस बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन जिसको हम ग्लेनॉइड कैविटी कहते हैं, एक्रोमियन के नीचे एक डिप्रेशन है जिसको हम ग्लेनॉइड कैविटी कहते हैं, मतलब ये आपका आपका जो एक्रोमियन है, ठीक है, इसके नीचे एक थोड़ा डिप्रेशन है जिसको हम कहते हैं ग्लेनॉइड कैविटी, क्या कहते हैं, ग्लेनॉइड कैविटी, विच आर्टिकुलेट, जो आर्टिकुलेट करता है विद दी हेड ऑफ ह्यूमरस टू फॉर्म दी शोल्डर जॉइंट, मतलब कि ह्यूमरस के साथ जॉइन करता है, मतलब ये जो आपका ह्यूमरस है उसके साथ आपके जो क्लाविकल आकर यहाँ पर ये जॉइंट तैयार करता है, ये जॉइंट इसके तहत होता है, ठीक, इसके तहत ये जॉइंट संभव होता है, ठीक। जो पेल्विक गर्डल होता है वो मतलब कि जो कोएक्सियल्स बोन को कंसिस्ट करता है आपके जो पेल्विक गर्डल, ईच कोएक्सियल बोन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन, मतलब हर एक जो कोएक्सियल बोन है 3 बोन से बना हुआ था, मतलब ये जो टोटल मतलब 3 बोन से बना हुआ था इसको हम कहते हैं कोएक्सियल बोन। तो ये 3 से बना हुआ है होता है, कौन कौन से है, ईलियम, ये वाला है ईलियम, फिर आता है ईचियम, ये वाला आता है ईचियम, नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से है, ये आता है आपका ईचियम, ठीक। अच्छा, फिर इस तरीके से जो होता है इस तरीके से ये आता है आपका इलियम, फिर कौन सा आता है, फिर आपका है प्यूबिस, प्यूबिस कौन सा है, प्यूबिस इसके अंदर कुछ इस तरीके से आता है, ठीक, यहाँ पर आता है प्यूबिस, ठीक। अच्छा, इलियम इकियम प्यूबिस जिसको हम कोएक्सियल बोन कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, इलियम इकियम प्यूबिस को हम कोएक्सियल बोन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आता है, बहुत बढ़िया। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन, जब फ्यूजन होता है तो तब एक कैविटी जिसको हम एसिटाब्यूलम कहते हैं, जिसके साथ थाई बोन जुड़ा हो जाता है, ठीक है, जिसके साथ आपका जो थाई बोन है जिसको फीमर कहते हैं, वो फीमर इसके साथ जुड़ा होता है, और ये जो प्रोसेस जिसके साथ आप जो कोएक्सियल बोन जो 3 होते हैं इलियम इकियम पीवीस, उसको हम कहते हैं एसिटाब्यूलम, ठीक है। एक्रोम जब आप पढ़ेंगे फ्यूजन होता है मतलब जुड़ता है उसके साथ, दे टू हाफ पेल्विक गार्डल मेड वेंट्रली टू फॉर्म, मतलब जो पेल्विक गार्डल का जो 2 हाफ होता है एक साथ वेंट्रली फॉर्म करता है प्यूबिस सिम्फाइसिस, जिसके पास कुछ फाइबरस कार्टिलेज होता है। अब हम आपको कुछ जॉइंट्स के बारे में बताएंगे, हमारे शरीर में कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं और कौन कौन से डिजीजेस होते हैं। तो दोस्तों डिजीजेस के बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि हमारे शरीर में कौन कौन से बेसिकली जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम्स है, मतलब हड्डियों का रोग, ठीक है, हड्डियों में कौन कौन से रोग होते हैं, हड्डियों में कौन कौन से बीमारियाँ होती हैं। तो पहले हम आपको बता देता हूँ मायास्थेनिया ग्रेविस। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखा देता हूँ जिससे कि आपको ये आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखिए मायास्थेनिया ग्रेविस, ठीक। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए मायास्थेनिया ग्रेविस कौन से रोग को बोला गया है, या फिर किसको बोला गया है, मायास्थेनिया ग्रेविस।
तो दोस्तों ये जो मायस्थीनिया ग्रेविस है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये जो आप देख रहे हो सामने बहुत सारे आपके फोटोज दिखाई दे रहे होंगे, कुछ ये है मायस्थीनिया ग्रेविस। तो देखिए ये वाला फोटो देखिए, फिर ये वाला भी देख सकते हैं, ये इससे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा मायस्थीनिया ग्रेविस। तो इससे क्या होता है देखिए दोस्तों देखिए मायस्थीनिया ग्रेविस से क्या क्या होता है। एन इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, जिसके तहत आपके जो वीकनिंग होते हैं, आपके जो मसल्स होते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस के, उसमें वीकनिंग हो जाता है। ठीक है, ये कौन सा टाइप का डिजीज़ है आपको इसमें समझना है। ठीक है, ये देखिए ये डिजीज़ कैसे देखते हैं, मतलब एक आँख थोड़ा ऐसे हो गया, मतलब टिल्टेड हो गया। ठीक है, ये टिल्टेड क्यों होता है पहली बात तो ये समझना पड़ेगा, ये टिल्टेड क्यों होता है। तो देखिए ये एक कौन से टाइप का डिजीज़ है, ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून मतलब अपने आप होने वाला डिजीज़ है, इम्यून डिसऑर्डर, जो कि हमारे शरीर में न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को क्या कहते हैं, हमारे शरीर में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इफेक्ट करता है। ठीक है, पैरालिसिस, स्केलेटल मसल के पैरालिसिस के तहत कुछ इस तरीके से हमारे शरीर में हो जाता है। ठीक है, यहाँ से समझ में आता है, बढ़िया। फिर आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मतलब कि एक तरह का प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो आपको समझ लेना है कि जो मायस्थीनिया ग्रेविस है वो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, पर जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये आपके जेनेटिक डिसऑर्डर के तहत होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है वो किसके तहत होता है। ठीक, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, देखिए दोस्तों मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो डिजीज़ होता है ना, आपके पैर कुछ इस तरीके से दिखाई देते होंगे। ठीक है, मतलब कि जिनको ये डिजीज होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक, ये देखिए इसको कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। पैर जो होते हैं ना ऐसे थोड़े मुड़ जाते हैं अंदर की तरह। ठीक है, थोड़ा डरावना लगता है, थोड़ा बहुत मतलब डर भी लगता है। फिर आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, अच्छा। फिर रहता है टिटैनी, मतलब रैपिड स्पैजम वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम डिपोजिट इन बॉडी, मतलब कि रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब हमारे हड्डियों में जब कैल्शियम्स नहीं होता तो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, वो एकदम मतलब चिपका जाता है, जिसके तहत ये होता है, इसको टिटैनी कहते हैं। फिर आर्थराइटिस, मतलब कि जो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट इन्फ्लामेशन होना। ठीक है, टिटैनी मतलब कौन सी चीज़ को बोला जाता है, देखिए टिटैनी कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, रैपिड स्पैजम होता है। ठीक है, रैपिड स्पैजम, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, रैपिड स्पैजम होता है टिटैनी के तहत। ठीक है, ये देखिए ये वाला डायग्राम देखिए, जो मेरे पॉइंटर है ना, ये वाला हो जाता है, रैपिड स्पैजम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि शरीर के अंदर जो कैल्शियम का डिपॉजिट कम हो जाता है। फिर आता है आर्थराइटिस, आर्थराइटिस को हम दिखा देते हैं अभी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से, एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ आर्थराइटिस। ठीक, देखिए आर्थराइटिस का हम फोटो दिखा देते हैं। आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, शरीर के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं ना, ये जैसे ये वाला नी में, फिर ये एक जॉइंट्स है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पर तो जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट में इन्फ्लामेशन होता है, जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बहुत सारे टाइप्स के आर्थराइटिस होते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑस्टियोपोरोसिस, फिर हम क्या समझेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जनरली कब दिखाई देता है, मतलब कि कब होता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो देखिए एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें कि हमारे जो बोन मास, या फिर आप अगर ह्यूमन की बात करें, जिसमें ये दिखाई देता है ज़्यादातर, जो कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के मतलब कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स तो चल रहा होता है, लगभग हम मान के चले अगर एज की बात करें तो आपका जो 30-40 जब बोन डेंसिटी आपका कम जाता है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपका जो बोन डेंसिटी होता है
जब वो कम जाता है तो आपके जो हड्डियां होते हैं शरीर में, आपके जो शरीर में हड्डियां होते हैं उसमें ताकत कम जाता है, जिसके तहत आपका कैल्शियम कम हो जाता है, उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अगर आपका हड्डियों में पावर नहीं रहेगा तो अगर आप बाई चांस कहीं भी गिर भी गए तो हड्डियाँ टूटने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बोन मास डेंसिटी के तहत, बोन डेंसिटी या बोन मास डेंसिटी जिसके तहत आपका हड्डियाँ टूट सकता है। यहाँ तक समझ में आता है? बहुत बढ़िया। जैसे कि हमने बताया था कि ईस्ट्रोजन जो है इसका कॉमन जो कॉज है, डिक्रीज लेवल ईस्ट्रोजन होता है। ईस्ट्रोजन क्यों कम होता है? क्योंकि उसमें बोन मास डेंसिटी कम हो जाता है धीमे धीमे। ठीक है, फिर आता है हम गाउट के बारे में बात करें। गाउट क्या होता है? जो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट है ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। ठीक है, गाउट कैसे दिखते हैं? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस आप जानना चाहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कैसे काम करते हैं उसका भी डायग्राम हम दिखा देते हैं। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्राम हम दिखा देते हैं, एक मिनट रुकिए, हम अभी दिखा देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस कैसे होते हैं। ठीक, ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आपका ऑस्टियोपोरोसिस, जिससे कि जो ज़्यादातर जो ईस्ट्रोजन है इसका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, देखिए ये वाला डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कमर में दर्द होने लगता है ऑस्टियोपोरोसिस के तहत। ठीक है, ये है इसका कॉज, और ये वाला डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी दिया हुआ है जो कि आपके काम में आ सकता है। ये है आर्थराइटिस। ठीक है, ये ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, हाँ ऑस्टियोपोरोसिस आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मतलब एज हो जाता है तो तब कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और जिसके तहत दर्द होता है। ठीक है, कमर में। और एक चीज़ है जो आपको दिखाना है लास्ट में, जो है गाउट। गाउट आपको दिखा देता हूँ, देखिए गाउट में क्या होता है। गाउट में देखिए, गाउट में मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, जैसे कि जो आपका जॉइंट्स है ऐसे फूल जाता है। आप देखे होंगे आपके जो बुजुर्ग लोग हैं, भगवान ना करे ऐसे हो, पर आप देखे होंगे कभी कभी कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं या तो उनके जो पैर में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के डिपॉजिट के तहत ऐसे कुछ फूल जाता है। मतलब कि जैसे कि आप मसूर दाल जब खाते हैं ज़्यादा, तो मसूर दाल ज़्यादा खाने से भी आपको गाउट हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा खाने से। कम एज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा एज की बात कर रहा हूँ, जब किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती वो इससे रिलेटेड है। मतलब किस किडनी अच्छे खासे मतलब यूरिन से वो वाला जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट है उसको निकाल नहीं देती। ये ट्रीट हो सकता है, डॉक्टर के पास किसी को हुआ तो जा सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं आपका जो जॉइंट से इस तरीके से फूल जाता है और बहुत दर्द हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आता है दोस्तों? बस आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ ह्यूमन स्केलेटन का A to Z समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आप बताइए कि ऐसे कुछ वीडियोस आपने नहीं देखा होगा पहले पूरे यूट्यूब में, जो कि A to Z जानकारी आपको दिया हो विथ पिक्चर, जिसको कि आपको याद आ गया होगा। अगर आपने थोड़ी सी भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा कीजिए, नहीं आता तो 3 बार 4 बार जितने बार हो सके प्ले कीजिए, अच्छे से पेन कॉपी निकालिए, लिखिए, उस डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, और ऐसे ही समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका डिमांड रहे, अगर आपने जानने की इच्छा रहे, तो मैं इसके बाद कौन से चैप्टर, इसके बाद आपका जो जॉइंट्स है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स ह्यूमन्स में, उसके बारे में डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। और अगर आप इससे भी ज़्यादा अधिकतर जानना चाहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है, कि कौन से टाइप्स ऑफ नर्व, जैसे कि आपने पढ़ा होगा CNS होता है, PNS होता है, तो ये काम कैसे करता है, किसके आधार पर, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट्स में लिखिएगा, या फिर आपको अगर कुछ भी डाउट्स है, जैसे कि ह्यूमंस में जो कि कौन से प्रकार के, जैसे RBC हो गया, WBC हो गया, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ये सब कैसे काम करते हैं, ते ब्लड रिलेटेड, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों हमारे साथ ऐसे जुड़े रहे, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, और इससे अच्छे वीडियो इन जो वीडियो है इससे अच्छे मैं लेकर आऊँगा। तो दोस्तों बस धन्यवाद।